हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सैयद परवेज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नैना बुटीक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहां पर हम सिखाने वाले हैं कि रिंग बटन कैसे ठोकें, ठीक है, यानी रिंग बटन हम कैसे लगाएं शर्ट में। तो दोस्तों, ये नग वाले रिंग बटन है। एक होते हैं रिंग बटन जिसके चारों तरफ रिंग होता है, उसमें ये नग नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो हमें यहाँ पर रिंग बटनों के लिए डायरेक्ट हम अपने सुंबी से ठोक सकते हैं हथौड़ी के ज़रिए, मगर नग वाले बटन में हमें एक कपड़े की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमारा नग ना टूटे, ठीक है, और ना इस पर कोई निशान आए। अगर हम ये कपड़ा नहीं लगाएंगे ना, तो इससे क्या कमी आएगी कि इस बटन, या तो बटन हमारा टूट जाएगा। टूट जाता है, मैंने आजमाया है बात को ही, मैंने कपड़ा रखना यूज़ करा है। अगर ये टूटेगा नहीं तो यहाँ पर एक दाग आ जाएगा चोट का, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से लगाएं, इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एक कपड़े की, दूसरे यहाँ पर सुम भी चाहिए हमें, ठीक है, ये डाई, और यहाँ पर चाहिए एक हथौड़ी, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बीच में लगाएंगे एक निशान बिल्कुल, और निशान लगाने के बाद में जो हमारा ये नग वाला हिस्सा है, इसको हम ऊपर से इस तरीके से दबा के लगा देंगे। इसको पलट लेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से, मतलब ये नाखून से ऐसे दबा के, और इसके कांटे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमें रखना है कपड़ा नीचे और इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद अब दोस्तों, हमें यहाँ पर लेना है ये वाला हिस्सा जो नग में लगाएंगे, ठीक है। एक घुंडी वाला होता है और एक ये होता है, ये लगाएंगे। इसको लगाने के बाद हम यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार, और यहाँ पर एक डाई लेंगे, ये घुंडी वाली जिसमें घुंडी है, और इसको इस तरीके से रखेंगे। इसको इस तरीके से लगाएंगे, लगाने के बाद यहाँ लगा देंगे इस पर चोट। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर हमारा बटन बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप हम ऐसे टटोल के देख रहे हैं, कोई सर, अगर हमारा कोई सर यहाँ उठा रह जाता है हल्का सा, वो पता चल जाता है ऐसी, तो इसको हमें दोबारा इस तरीके से रखना होगा, ठीक है। और इसको सुम्बी को इस तरीके से घुमाएंगे, हमारी चोट, और ऐसे करके हल्का सा घुमा लिया जिससे चोट बराबर चारों तरफ पड़े। तो हमने यहाँ पर ये लगा दिया है एक बटन, और अब हमें क्या करना है, दूसरी साइड में लेना है कांटा, सिर्फ एक कांटा लेना है, ठीक है। और कांटे को इसको बिल्कुल बीच सेंटर में लगा देना है। आप चाहें तो यह निशान भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर नाखून के जरिए इस तरह से, ठीक है, ये हमने कांटे बाहर निकल गए। अब हमें इसमें क्या करना होगा, जो इसमें हमारे घुंडी वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद में इसमें जो सुराख है हमारी डाई में, ये वाली डाई लेना है घुंडी वाले इसमें बटन में, ठीक है, और इसको इस तरीके से रखना है और इसको ठोक देना है। ये हमारे यहाँ पर देखिए दोनों बटन लग चुके हैं, ये देखिए इस तरीके से लग गए हैं। अब हम इसको लगा के देख लेते हैं, ये देखो, ठीक है, ये हमारे बटन लग गए हैं। इसी तरीके से आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। तो हम अपना दूसरा कफ लेते हैं, इसमें जो हमारे जिसमें चाक पट्टी बनी होती है, इस वाले हिस्से में जो चाक पट्टी बनी हुई है ना, तब इस वाली, ये इस वाले में हमें लगाना है नग वाला हिस्सा, और बीच सेंटर में लगाना होगा, ये ध्यान रखें। इसको यहाँ रखेंगे, एक बार आप समझ लीजिए खूब, नाखून से इसको ऐसे करके बिठा लेंगे। इसकी जब ये यहाँ पर, इसकी ये नोके यानी टांगे जब बाहर को निकल जाएं, तो इसको ये वाला एक लेना है होल वाला, और इसको रखने के बाद यहाँ पर जब हमारा बैठ जाएगा तो इसको इस तरीके से लेंगे डाई को, और यहाँ पर इसको बिठाल देंगे, ये बिठाल दिया, और इस पर मार देंगे चोट, ठीक है। ये हमारा यहाँ बटन लग चुका है, ये देख लीजिए, ठीक है, और ये इधर से भी खूब मजबूत हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ रखेंगे ऐसे करके, और रखने के बाद में इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे एक बटन की सीध में एक निशान, ठीक है। निशान लगाने के बाद हमें एक कांटा रखना है नीचे, और यहाँ पर इस तरीके से भी हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमने इसके टांके बाहर निकाल लिए, जो भी टांगे हैं इसकी बाहर निकालने के बाद में इसमें घुंडी वाला एक हमें लेना है पॉइंट, और इसको इस पे रख देना है, और हमें जो डाई लेना है इस घुंडी वाले इसमें, उसमें लेना है जो होल है जिसमें, ठीक है। तो इसको हम यहाँ रखेंगे और ऐसे करके इसको चोट लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारा लग चुका है। अब इसको भी हम यहाँ पर लगा के देख लेते हैं, ये लग गया देखो, ठीक है।
तो ये हमारे यहाँ बटन लग चुके हैं, हमें उम्मीद है इसी तरीके से हम अपने सामने में लगा देंगे। अब ये है हमारा सामना, हमने कफ में बटन लगा दिए हैं, ठीक है। तो एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पर स्टोन पे, ये निशान लगता है काज बने चाहे हमारा कोई निशान लगे, तो इसकी सीध में लगता है कॉलर की, ठीक है, ये हमने लगा दिया। उसके बाद में एक निशान हम लगाएंगे यहाँ पर कम से कम यहाँ से 2.5 इंच नीचे, ठीक है। उसके बाद एक निशान लगाएंगे यहाँ पर करीब 5.5 इंच नीचे, ठीक है। फिर इन दोनों को इस तरीके से मिलाएंगे जैसे कांच काटते हैं, वैसे ही सेम इसके निशान लगते हैं, यहां पर हमने निशान लगा दिया। फिर हम इन दोनों को मिला लेंगे, फिर यहां पर हम एक निशान लगा लेंगे बीच में, फिर हम इन दोनों को मिला लेंगे और यहां पर एक निशान लगा लेंगे। ये सब हमारे निशान यहां पर लग चुके हैं, देखिए आप, मैं आपको डार्क करके थोड़ा दिखा देता हूं। अब जिस तरीके से हमने यहां बटन लगाए थे अपनी आस्तीन में, वैसे ही हमें सेम बटन यहाँ लगाना है। एक बटन मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, बाकी सब बटन लगा दूंगा क्योंकि यहाँ पर वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी। तो मैं इस तरीके से यहाँ रखूंगा इसे, देख लीजिए, नाखून से सामने की पट्टी है शर्ट की, नाखून से इसकी टांगे निकालनी बाहर को, और उसके बाद में एक होल वाला हमने ये नग वाले पॉइंट में रख दिया। और इसमें एक डाई लेंगे जिसमें यहाँ पर ये नुक निकली हुई है, ठीक है, और इस डाई को अच्छी तरीके से बिठाल देंगे और यहाँ लगा देंगे चोट। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हमारा ये बटन लग चुका है, इसी तरीके से हमें पूरी शर्ट में बटन लगा लेना है। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर ये बटन यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।